नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम बाबा। ऐसा साथियों में एक बार फिर स्वागत करते हैं। देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त हम आए हैं श्री श्याम युवक मंडल पटना सिटी द्वारा निशान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ का वातावरण जो है पूरा भक्तिमय हो गया है। जितने भी श्रद्धालु है श्याम बाबा का लोग गुणगान कर रहे हैं। जो दृश्य जो देख रहे हैं जिससे ही झलकता है श्री श्याम युवक मंडल का ये निशान महोत्सव का ये दृश्य है। दूसरी तरफ यहाँ पर महिला श्रद्धालु तमाम लोग एक साथ में बाबा का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं ये तमाम दृश्य श्री श्याम मंडल का, श्री श्याम निशान महोत्सव का ये दृश्य है और ये पटना सिटी की एक शान है। बाबा से जो भी मांगते हैं सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप जो दृश्य देख सकते हैं तमाम महिला श्रद्धालु सब झूम रहे हैं, एक साथ में लोग बाबा का गुणगान कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग से भी, हम श्रद्धालु से भी जानकारी हम लेते हैं कि बाबा से क्या क्या मांगे हैं। कैसा लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बट जगह नहीं आता, बट इतना सुकून मिल रहा है, लग रहा है बैठ जाए जाके दर्शन कर ले। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रहा है, भगवान जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बाबा से क्या मांगी है? बस यही कि घर में सब खुश रहे, अच्छे से रहे, हम भी मांगे कि सारे लोग स्वस्थ रहे। भाई क्या मांगे बाबा से? बाबा ने तो सब कुछ दिया है, जो मांगो वो कम है, पर फिर भी जो भी कुछ मन में आता है सब बाबा से मांगते और बाबा देते हैं। बहुत खुशी लग, बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी जी जी। बाबा नमस्ते, क्या नाम है बाबा आपका? जी पंडित सुरेश सिरोठिया। बाद ये प्रथम बार महोत्सव हो रहा है जो कि निशान चढ़ाने से मनवांछित फल इच्छा प्राप्त होती है, जो कि पैदल चलकर के सब लोग निशान पैदल लेकर के आकर के खाटू श्याम जी को चढ़ाते हैं, जिनमें जिसकी जो मनवांछित इच्छा होती है वो प्राप्त होती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस भावना से इसका चिंतन करते हुए निशान को बिना चप्पल जूता के पहने हुए चल करके आता है उसकी वो इच्छा पूर्ण जरूर करते हैं, विशेषतः संतान प्राप्ति जरूर होती है। यहाँ पर कई लोग ऐसे आए जिनकी 14 वर्ष 15 वर्ष से संतान नहीं हुई, जो बाबा ने निशान अर्पित करने के बाद संतान प्राप्त हुई है। श्री श्याम निशान महोत्सव का जो दृश्य और जो खूबसूरती का जो नज़ारा जो देख रहे हैं, सर्वे सर्वा भी हमारे बीच है, समाज के प्रति हमेशा सजग रहने वाले सुरेश चौधरी जी से भी हम जानकारी लेते हैं। सर बताइए, कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी उत्साह के साथ में लवरेज, क्या कहना चाहेंगे? इस श्री श्याम महोत्सव में श्री श्याम प्रभु की कृपा से कोई भी दिक्कत नहीं आई है और श्याम महोत्सव बहुत खुशी माहौल में हो रहा है और ये 46वां श्री श्याम महोत्सव हम लोग मना रहे हैं श्री श्याम युवक मंडल पटना सिटी के द्वारा। हम आपसे विदा लेते हैं नए अंदाज नए उत्साह के साथ में, तब तक बाय बाय।